तो कैसे आप लोग लोग योर स्माइल इज नॉट रियल इट्स अ फेक स्माइल सो हे गाइस नीरज हेयर एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो पे बीजीएम सॉन्ग के ऊपर बीट्स एंड स्टेटस एडिटिंग करने वाले हैं। इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए आप लोगों को अलाइट मोशन एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगा, जिसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो पे यूज़ की ऑल मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उसके लिए आप लोगों को एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगा, जो पासवर्ड आपको मैं वीडियो पे बोल के और स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो स्किप करने से आप लोगों को पासवर्ड समझ में नहीं आएगा। आप लोगों को एडिटिंग के रिलेटेड किसी भी टाइप प्रॉब्लम हुई तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। चली गई आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस आप लोगों को अलाइट मोशन एप्लीकेशन ओपन करने के बाद इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने मिलेगा। अब आपको डिस्क्रिप्शन से सॉन्ग बीट मैप पर जेट एंड सीके फिर पीसेट इंपोर्ट कर लेने। इंपोर्ट करने के बाद गाइस आप लोगों को पहले सॉन्ग बीट मैप पर जेट ओपन कर लेने। सॉन्ग बीट मैप पर जेट ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे म्यूजिक पर मैंने ऑलरेडी बीट मार्क कर चुका हूँ। आप लोगों को बीट मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये सॉन्ग बीट मैप पर जेट अपने अलाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेने। गाइस अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पर आने। स्टार्टिंग पर आने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो म्यूजिक पर किस जगह लिरिक्स आते हैं, उस जगह मैंने ऑलरेडी लिरिक्स लिख चुका हूँ। गाइज अब आपको 1.17 सेकंड पर आना है। 1.17 सेकंड पर आने के बाद गाइज अब आपको यहाँ पर प्लस सिग्नल पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इमेज वीडियो पर क्लिक करके पार्टिकल वीडियो ऐड कर लेना। ये पार्टिकल वीडियो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पे ऑल मटेरियल लिंक पर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके ऐड कर लेना है। पार्टिकल वीडियो ऐड करने के बाद अब आपको तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करके फिल स्क्रीन कर लेना है। फिल स्क्रीन करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके स्टॉप पार्ट ट्रिम कर लेने। सो गाइज अब आपको बैक आने, बैक आने के बाद गाइज अब आपको थोड़ा सा आगे आने के बाद गाइज अब आपको लिरिक्स के एंड पर आने। एंड पर आने के बाद गाइज 5.07 सेकंड पर आने के बाद प्लस सेकंड पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद इमेज वीडियो पर क्लिक करके आप किस फोटो से अपना स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को सेलेक्ट करके ऐड कर लेने। ऐड करने के बाद गाइज अब आपको थ्री डी ऑप्शन पर क्लिक करके फिल स्क्रीन कर लेने। फिल स्क्रीन करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके स्टॉप पार्ट ट्रिम कर लेने। अब आपको बैक आने, बैक आने के बाद फिर से प्लस सेकंड पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद इमेज वीडियो पर क्लिक करके सेकंड मॉडल इमेज ऐड कर लेने। सेकंड मॉडल इमेज ऐड करने के बाद अब आपको फिर से थ्री ऑप्शन पर क्लिक करके फिल स्क्रीन कर लेने। फिल स्क्रीन करने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करके स्टॉप पार्ट ट्रिम कर लेने। सो गाइस आप लोगों को इसी मेथड को यूज़ करके पूरे म्यूजिक पर सारे मॉडल इमेज को बीट के हिसाब से ऐड करके एडजस्टमेंट कर लेने। सो गाइस मैं जल्दी से सारे मॉडल इमेज को बीट के हिसाब से ऐड करके एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, तब तक वीडियो को स्किप कर देता हूँ। सो गाइस मैंने वीडियो स्किप करके सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर चुका हूँ। आप लोगों को इसी टाइप सारे मॉडल इमेज ऐड करके बीट के हिसाब से एडजस्ट कर लेने। सो गाइस अब आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेने। स्क्रॉल करने के बाद गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो आप लोगों को इफेक्ट अप्लाई करते टाइम आसानी हो, इसलिए मैंने इफेक्ट एंड इफेक्ट टू टेक्स्ट लिख चुका हूँ। इस पर आपको फर्स्ट वाला इफेक्ट कॉपी करके फर्स्ट टेक्स्ट कहाँ है उन सारे जगह फर्स्ट वाला इफेक्ट पेश कर लेने। सेकंड इफेक्ट कॉपी करके किस जगह म्यूजिक पर सेकंड टेक्स्ट है उन सारे जगह सेकंड वाला इफेक्ट पेश कर लेने। गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो लिरिक्स पर मैंने ऑलरेडी इफेक्ट अप्लाई कर चुका हूँ, लिरिक्स पर आप लोगों को इफेक्ट अप्लाई करना नहीं है। गाइज अब आपको मॉडल इमेज पर इफेक्ट अप्लाई करने के लिए आप लोगों को सिंपली बैक करना है। बैक करने के बाद सेकंड इफेक्ट पे सेट ओपन कर लेना है। सेकंड इफेक्ट पे सेट ओपन करने के बाद गाइज अब आपको सेकंड मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेना है। ए वाला मॉडल इमेज पर क्लिक करने के बाद गाइज अब आपको इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद थ्री डी ऑप्शन पर कॉपी इफेक्ट कर लेना है। इसके बाद बैक आने, बैक आने के बाद सॉन्ग बीट मैप पर सेट ओपन कर लेना है। सॉन्ग बीट मैप पर सेट ओपन करने के बाद गाइज अब आपको मॉडल इमेज पर आना है। मॉडल इमेज पर आने के बाद गाइज अब आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो पूरे सॉन्ग बीट मैप पर जेट पर मैंने इफेक्ट वन टेक्स्ट कहाँ लिख चुका हूँ सारे जगह फर्स्ट वाला इफेक्ट पेश कर लेने। सो गाइज ये देख सकते हो अब आपको इफेक्ट वन इस जगह भी इफेक्ट वन है। अब आपको इन मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट कर लेने। अब आपको सेकंड मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके थ्री ऑप्शन पर पेस्ट इफेक्ट कर लेने। अब आपको फिर से नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेने। स्क्रॉल करने के बाद गाइज अब आपको फिर से एक मॉडल इमेज गैप देखिए नेक्स्ट मॉडल इमेज पर क्लिक कर लेने। गाइज यहाँ पर भी देख सकते हो इफेक्ट वन है। आप लोगों को गाइस इसी टाइप सारे मॉडल इमेज पर फर्स्ट वाला इफेक्ट पेश कर लेना है।
गाइस इस पूरे 100 मिनट में बजट पर इफेक्ट वन टैक्स कहाँ था उन सारे जगह फर्स्ट इफेक्ट पेश कर चुका हूँ गाइस। अब आपको सेकंड इफेक्ट पेश करने के लिए आप लोगों को सिंपली बैक आना है। बैक आने के बाद सेकंड फिट पे सेट ओपन कर लेने। सेकंड फिट पे सेट ओपन करने के बाद गाइस अब आपको थर्ड वाला मॉडल पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके ट्रेडर ऑप्शन पर कॉपी फिट कर लेने। इसके बाद में बैक आने के बाद 100 मिनट में बजट ओपन कर लेना है। साउंड बीट में बजट ओपन करने के बाद गैज अब आपको मॉडल इमेज पर आने। मॉडल इमेज पर आने के बाद गैज अब आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना। स्क्रॉल करने के बाद गैज अब आपको देखना है इस पूरे साउंड बीट में बजट पर इफेक्ट टू टेक्स्ट का है सारे जगह सेकंड वाला इफेक्ट पेश कर लेना है। सो गैज ये रहा इफेक्ट टू इन सारे मॉडल इमेज पर अब आपको सेकंड वाला इफेक्ट पेश कर लेना है गैज। अब आपको फिर से नीचे यहाँ पर स्क्रॉल कर लेना। स्क्रॉल करने के बाद गैज अब आपको थोड़ा सा आगे आने के बाद गाइस यहाँ पर भी देख सकते हो इफेक्ट हुआ है उन सारे जगह। अब आपको सेकंड वाला इफेक्ट पेश कर लेना है। गाइस मैंने इस पूरे साउंड बीट में बजट पर इफेक्ट टू टेक्स्ट का है उन सारे जगह सेकंड वाला इफेक्ट पेश कर चुका हूँ गाइस। आप लोगों को इसी टाइप सारे मॉडल पर इफेक्ट अप्लाई कर लेने। फर्स्ट टेक्स्ट पर फर्स्ट वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेने। सेकंड टेक्स्ट पर सेकंड वाला इफेक्ट अप्लाई कर लेने गाइस। अब आपको यहाँ पर स्टार्टिंग पर आने। स्टार्टिंग पर आने के बाद गाइस अब आपको 5.07 सेकंड पर आने। जब हम इमेज को स्टार्ट किए थे ऐड करना तब उस सेकंड पर आने के बाद गाइस अब आपको प्लस सिग्नल पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद गाइस अब आपको इमेज नोड पर क्लिक करके पार्टिकल वीडियो ऐड कर लेने। ये भी आपको ऑल मटेरियल लिंक पर मिल जाएगा, वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके ऐड कर लेना है। पार्टिकल वीडियो ऐड करने के बाद अब आपको थ्रीडर ऑप्शन पर क्लिक करके फिल स्किन कर लेना है। फिल स्किन करने के बाद गाइस अब आपको ब्लेंडिंग एंड ऑपोसिटी ऑप्शन पर क्लिक करके लाइटिंग ऑप्शन पर क्लिक करके स्क्रीन ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद में बैक आने के बाद गाइस अब आपको म्यूजिक ऑप्शन पर क्लिक करके इसका म्यूजिक आपको पूरा जीरो कर लेना है। इसके बाद में बैक आने गाइज अब आपको पूरे लास्ट पर आना है। लास्ट पर आने के बाद इस साउंड बीट में बजट तक की इस पार्टिकल वीडियो को रखना है। एक्स्ट्रा पर ट्रेम कर लेना है। ट्रेम करने के बाद गाइज अब आपको बैक आने के बाद फिर से स्टार्टिंग पर आना है। स्टार्टिंग पर आने के बाद गाइज अब आपको प्लस सिग्नल पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इमेज पर क्लिक करके आप लोगो वगैरह ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हो। मैं अपने यूट्यूब चैनल का लोगो ऐड कर लेता हूँ। लोगो ऐड करने के बाद अब आपको मून ट्रांसफर ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन पर क्लिक करके इसका साइज छोटा कर लेना है। साइज छोटा करने के बाद अब आपको फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करके इसको कहाँ भी एडजस्टमेंट कर लेना है। लोगो एडजस्टमेंट करने के बाद अब आपको बैक आने के बाद इस लोगो को पूरा लास्ट तक ले जाना है हमारे म्यूजिक तक। अब आपको पूरा लास्ट पर आना है। लास्ट पर आने के बाद इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद ये लोगो पूरा लास्ट तक आ जाएगा। सो गाइस आप देख सकते हो पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है। इस वीडियो का पासवर्ड है गाइस 8904 गाइस। अब आपको फिर से बता रहा हूँ इस वीडियो का पासवर्ड है 8904 गाइस। अब आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। वीडियो एक्सपोर्टिंग होने के बाद गाइस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के लिए शेयर ऑप्शन पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद वीडियो ऑप्शन पर क्लिक कर लेने। अब आपको एक्सपोर्ट रेजोल्यूशन में 1080p रख लेने। फ्रेम रेट आपको फुल रख लेने। क्वालिटी एकदम हाई रख लेने। इसके बाद में एक्सपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर लेने। सो गाइज आप देख सकते हो वीडियो एक्सपोर्ट होकर पूरा रेडी हो चुका है। अब आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक कर लेने। क्लिक करने के बाद वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। अब आपको एक बार वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। Your smile is not real. It's a fake smile. तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना जिससे कि चैनल का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो गाइस आज के वीडियो पे इतने ही। मिलते हैं नेक्स्ट कोई और वीडियो पे। तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय।